वैसे तो SGB टैक्स फ्री है, बट इस पे 30% का नुकसान बड़े आराम से किया जा सकता है। पहला नुकसान है 20% का, जब आप इसको स्टॉक मार्केट में बेचोगे उस समय ये टैक्स फ्री गेन नहीं रहेगा। दूसरा नुकसान उन लोगों को होगा जिन्हें मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का मतलब नहीं पता। जरा ये देखो 10 मार्च की SGB कैंडल, जिसमें हाईएस्ट प्राइस गया था 4980 यानी ऑलमोस्ट 5000 रुपए, बट जो उन्हीं दिनों में SGB का नया इशू था वो 4662 रुपए में था। तो ये कौन इंसान है जिसने ऑलमोस्ट 350 रुपए एक्स्ट्रा देकर ये खरीदा है या फिर बेचा है? मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप एक्सचेंज को ये बोलते हो कि जिस भी प्राइस पर मिले या तो खरीद लो या बेच दो, और लिमिट ऑर्डर लगाने वाले लोग ये बोलते हैं कि हमें अपने मन के प्राइस पर ही इसे खरीदना है या बेचना है। और क्योंकि SGB में लिक्विडिटी बहुत कम है तो कुछ लोग मार्केट ऑर्डर लगाते हैं और कुछ लोग बड़ी समझदारी से 10% ऊपर या नीचे का लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, और इन दोनों लोगों के ऑर्डर मैच हो जाते हैं। तो हमेशा SGB खरीदते बेचते ये ध्यान देना कि मार्केट ऑर्डर ना लगाएं, लिमिट ऑर्डर लगाएं, वो भी असली गोल्ड प्राइसेस के आसपास का, ताकि ये 10% का नुकसान आपके साथ ना हो जाए।